व्यक्ति परिवार, टुडे इज डे सेकंड यूनाइटेड इन ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। अभी हम कलेक्टिव योग करेंगे दीदी के साथ। सभी एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठे ओम शांति। ओम शांति। इवन इफ फिजिकली यू हैव टू पुट ए डॉट और तिलक, जैसे भौतिक जीवन में भी जब हम भ्रुकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं या डॉट लगाते हैं, तो उस समय भी मुझे एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नहीं तो कभी कभी वो बिंदी खिसक कर उसकी एक पूंछ बन जाती है। तो देखे स्वयं को बिंदी स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। कभी कभी जब हमें फुल स्टॉप भी लगाना होता है तो बहुत ही सरल अनुभव होता है, परंतु वह यथार्थ हो, यथार्थ फुल स्टॉप हो, तो उसके लिए मुझे परे जाना पड़ेगा। जो भी विस्तार है, जो भी डिटेल्स है, उनके परे जाकर देखें। बाहर ये जगत से अपने आप को संपूर्ण रीति से न्यारा करें और ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बहुत इसकी आवश्यकता है। A beautiful example. एक बहुत सुंदर उदाहरण कछुए का दिखाई दे रहा है। When you use your all organs, sense organs. जहां वो अपनी सभी कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करते, then you should also have ability. परंतु साथ ही साथ ये क्षमता भी है जहां वो अब उन सभी कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है। So let us all do that now. तो हम सभी भी इस समेटने की शक्ति को धारण करें इस समय, अपने पैरों से लेकर शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए शरीर के हर हिस्से से कर्मेंद्रियों को अंदर में समेटते चले। और अब धीरे धीरे मैं भ्रुकुटी के मध्य में देख रही हूँ स्वयं को। ये स्मृति इमर्ज कर रहे हैं कि मैं निराकारी, that is point of light, आत्मा, point of light हूँ। Within this point, इस ज्योति स्वरूप में, there are still feelings. बिंदु स्वरूप में भावनाएं भी है,
There are feelings of love. स्नेह की भावनाएं. Being in my original stage of the soul. मैं अपने आत्मा के अनादि स्वरूप में स्थित होने से आपे ही मुझ में स्नेह इमर्ज हो रहा है. Love for everyone. सर्व के प्रति स्नेह. I am peaceful. Mind is peaceful. हर एक के लिए स्नेह. मैं शांत स्वरूप हूँ. मन शांत है. बुद्धि शांत है. So a beautiful energy. तो एक बहुत सुंदर ऊर्जा. खुशी की, सुख की इमर्ज हो रही है. I am in my original self. मैं अपने अनादि आदि स्वरूप में हूँ. Beyond sorrow and pain. दुख और दर्द से परे. There is just joy. There is happiness. यहाँ केवल सुख है. And this brings the expression on my face. और इससे मेरे चेहरे पर झलक दिखाई पड़ती है जो मन का सीधा सीधा प्रभाव है. हर्षित मुख दिखाई दे रहा है. हर्षित मुखता का अनुभव हो रहा है. Free from all fears, डर से परे. चिंता फिक्र से दूर. Also I am powerful. साथ ही साथ शक्तिशाली होने का अनुभव भी हो रहा है. When there is power and peace, there is शक्ति और शांति है. शांति और स्नेह है. I start feeling going close above. मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं नजदीक जा रही हूँ. ऊपर की दिशा में जा रही हूँ. To the one I belong to. उसकी तरफ जिसे हम belong करते हैं. I feel the presence of Baba. मुझे बाबा की उपस्थिति अनुभव हो रही है. Only with Baba. केवल बाबा के साथ. That's the solitude. यही एकांत है. When I am only with Baba. जब मैं केवल बाबा के साथ हूँ तो इसमें सर्व प्राप्तियां हैं. और ये प्राप्तियां बहुत सुख का अनुभव करा रही है. संतुष्टता. So I'm able to create. तो मैं
क्रिएट कर पा रही हूँ अपने भीतर में बहुत सुखद भावनाओं को इमर्ज करते हुए, और ये भावनाएं मेरे संबंध संपर्क में दिखाई पड़ती है। स्नेह संपन्न, सुख संपन्न, हल्केपन की स्थिति, सरलता, मिलनसार, हर एक आंतरिक स्तर पर होने वाली रूहानी अभ्यास का बाह्य जीवन में दिखाई देना आवश्यक है। मेरे संकल्पों में, बोल में, कर्मों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यही मुख्य अभ्यास है। जहाँ मैं निराकारी हूँ, निराकारी शिव बाबा के साथ, ओम शांति। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तो ये क्या, तो इस सब को
Om Shanti. Love for solitude and practice concentration. I am an incorporeal soul. Practice of yoga. I, the incorporeal soul, in my original form, in the supreme abode, am peaceful, pure, in a divine sparkling stage. Being stable in this form, experience the stage of a master, son of knowledge. Thoughts. What is the experience of the eternal incorporeal form? What are the attainments through this practice? Just as everything works underground, in the same way, carry out all your work while being introverted. By doing this, you will be protected from obstacles, your time will be saved, and your thoughts will be saved. Along with being in solitude, also let there be an entertaining nature to the same extent. There is a huge difference in both these words. But in the stage of perfection, संपूर्णता में दोनों की समानता रहे, जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रहे, रमणीकता भी हो, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के संसार और स्वभाव से मिलने वाला. Moment, be entertaining. To the extent that you are mature and deep, accordingly, be harmonious. That is, be one who is harmonious with everyone's nature and samskars. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today is day second. I'm sure everyone having good time. Om Shanti. Avikti Parivar mein aaj dusra din hai. Sabhi ko bahut acha anubhav ho rahe honge aur acha bhi feel ho raha hoga. To hum dekhenge ekagrata ko apnao, ekant priya bano. Isme aaj ka topic hai. Main nirakari atma hoon. हम कल से ये योग अभ्यास कर रहे हैं और दीदी 7:15 से 7:30 योग कराते हैं और बहुत शक्तिशाली भी है और हम ये कमेंट्री प्ले भी करते हैं और इसको हम YouTube में भी डाल रहे हैं. आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So we'll have a lot of experiences together. Now let's listen to Moini Didi. अभी हम दीदी से सुनेंगे.
ओम शांति एवरीवन. ओम शांति सभी को. सब ठीक है? अच्छे हैं? अंतर्मुखी और खुश मिजाज. मुझे याद है आप भी अपने अपने बचपन के दिनों में जा सकते हो. मुझे याद है जब मैं बाबा के पास आई तो मैं बाबा के साथ बैठती थी और मुझे बहुत अंदर में नशा चढ़ जाता था. उस समय मैं ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन जब मुझे बहुत मुझे जब नशा होता है, खासकर जब मैं बाबा के साथ थी, तो मेरे हाथ और पैर जो है हिलना शुरू होते थे. एक होता है उसको कहते हैं डांस और दूसरा उसको कहते हैं रास. श्री कृष्ण के लिए कहते कि वो रास करते थे गोपियों के साथ, डांस नहीं करते थे. डांस माना जैसे ऊपर नीचे कूद रहे हैं, लेकिन रास माना जैसे एक मिलनसार वाला मूवमेंट है उसमें अपने साथ औरों के साथ. तो मुझे याद है कि कई ऐसे बहुत ऐसे यंग लोग नहीं थे उस समय, मैं 20 साल वगैरह की कुछ होंगी, तो सभी सेंटर्स मुझे बुलाते थे और उन दिनों में भोग स्वीकार कराया जाता था दिन में, क्योंकि माताएं की मेजॉरिटी थी और वो सुबह में नहीं आ पाते थे तो दिन के समय आते थे. तो दिन के समय मैं जाती थी और क्योंकि उनको रास करनी होती थी तो सभी जो है इस नशे में पहुंच जाते थे. किसी को वो अनुभव है कि जब आप अंदर में बहुत बहुत एकाग्रता के साथ बाबा के साथ है तो आपको नाचने का मन करता है या रास करने का मन करता है. कोई है? किसको है ये अनुभव? अगर नहीं है तो हम उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे. हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग है तो इसको क्या कहेंगे? जब हम बाबा को सुन रहे हैं आज, तो कुछ नया नहीं है कि जब आप अंतर्मुखी है या अंडरग्राउंड है तो आप उस समय भी बहुत खुशी में है. रमणीकता केवल ये नहीं कि आप कूद रहे, लेकिन बहुत सुख का अनुभव है उसमें. तो अचानक से बहुत कुछ होता है, तो कैसे होगा, चिंता होती है क्या होगा. तो लेकिन बाबा कहते सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत ठीक होगा. तो ये अंदर की आवाज जब आती है तो आपको प्रैक्टिकल में अनुभव भी होता है. आप देखते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसी बात लगती है जो ठीक नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, हम सेफ रहेंगे, हम ओके हैं, क्योंकि हमें इतने सुंदर अंदर की भावनाएं हमारी इमर्ज होती है या सुंदर संकल्प इमर्ज होते हैं, तो वो हमें बहुत सुख का अनुभव देते हैं. तो जब मैं सुन रही थी बाबा की अव्यक्त सिग्नल को, इशारे को, बहुत सारे सीन्स इमर्ज होने लगे. हाँ, यही तो तब होता था ब्रह्मा बाबा के समय भी, जब उनके कदम हल्का पन अनुभव करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि, ऐसा भी नहीं कि रास कर रहे बाह्य रूप से, लेकिन अंदर में जैसे कि अतींद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं. हिंदी में इसको अतींद्रिय सुख कहते हैं, जो सुपर सेंशियस जॉय है. ऐसी खुशी नहीं जो मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा या मुझे आंखों से बहुत सुंदर दिखाई दिया या कानों से बहुत सुंदर सुनाई दिया कहानी. नहीं, ये तो कर्मेंद्रियों का सुख है, लेकिन अतींद्रिय मतलब कर्मेंद्रियों से परे जो आंतरिक स्तर पर है, जो अंतर्मुखता से आता है, वो किसी भी कर्मेंद्रिय से नहीं आता है. और वही तो सत्य स्वरूप में सुख का अनुभव है जो दुख से परे है, इसको हम सुख कहते हैं. एक है खुशी और दूसरा है सुख और तीसरा फिर आनंद. हमें कहते हैं आनंद स्थिति है, माना आपके अंदर बहुत अच्छा संतुलन है हर बात का. खुशी, हाँ ठीक है मैं खुश हूँ,
या कभी हम कहते नहीं आज मैं इतनी खुश नहीं हूँ, आज थोड़ा उदास है क्योंकि चीजें जो है मेरे अनुसार जैसे मैंने प्लान किया था वैसे नहीं गए, तो वो तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि भगवान ने अपना प्लान बनाया हुआ है, ड्रामा ने अपना प्लान बनाया है, तो हमें तो उनके साथ खेलना है। मैं तो वही करती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो भी भगवान का प्लान है, जो भी ड्रामा प्लान है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं एक्ट करूंगी और अपना पार्ट प्ले करेंगे। अपने आप को उसके साथ अलाइन करना पड़े, ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और उस स्थिति से पूरा ड्रामा जैसे दिखाई पड़ता है, तो मुझे अगर लगता है कि क्या ड्रामा भी मेरी सुन रहा है, क्या बाबा भी मेरा सुन रहा है, क्या सिर्फ मुझे उनका सुनना है। लेकिन मुझे याद है बाबा के शब्द जो बाबा ने वरदान में कहे, एक मुरली में जब बाबा ने खास कर ये बात बताई, वो खास आए ही थे क्योंकि वो सभी चाहते थे कि आए, और सभी दादियां उस समय पर बैठे थे, सभी दादियां थी वहां पर और मैं भी बैठी थी, और फिर बाबा ने कहा मैं आया हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पर उपस्थित किया हूँ क्योंकि आपने ऑर्डर किया मुझे। तो दूसरी तरफ फिर बाबा ने कहा कि आपको भी ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए जब बाबा आपको बुलाते हैं या सिग्नल देते, इशारा देते हैं। कोई कोई में वो क्वालिटी है और कोई कोई अभी भी अपने ही मन की मत चलाते हैं, लेकिन उनकी दिल क्या कह रही है ये नहीं। आज किसी ने कॉल किया और कुछ चीज के लिए, तो पहले अपने आप से पूछो क्या आप इस चीज से आराम का अनुभव करेंगे, आप ठीक हो इस बात से। मेरे से अप्रूवल लेने से भी पहले सेल्फ अप्रूवल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो मुझे बाबा को देखना पड़ेगा। हाँ बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, मुझे ये करने के लिए शक्ति है मेरे अंदर, और फिर जो सीनियर्स है उनसे आपको मिलेगा। लेकिन पहले अपने आप से, फिर बाबा से, और फिर जो आपके आसपास बड़े हैं उनसे। तो ये एक प्रोसेस है ना, एक तरीका है। तो सेवा भी बढ़ेगी, कर्म योग भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आज बाबा ने कहा कि अगर आप अंतर्मुखी हैं और आप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि समय की बचत होगी, संकल्पों की बचत होगी और बचत होती रहेगी, तो मैं ज्यादा कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं बाह्य मुखी हूँ और बाहर की परिस्थितियां मुझे खींच रही है, या मेरी आंखें आकर्षित हो रही है, या मुख टेस्ट मेरे आकर्षित हो रहे, तो माना मैं बाह्य बातों में अभी भी फंसी हूँ, तो मैं जो पाना चाहती वो नहीं पा पाऊंगी। मुझे लगेगा इतना समय नहीं है, इनफ टाइम नहीं है, इनफ ये नहीं है, इनफ वो नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने एक सीक्रेट शेयर किया, राज हमारे साथ शेयर किया, कि जब आप अंतर्मुखी है, इसका मतलब है आपको सोचना है कि अंतर्मुखता क्या है। अंतर्मुखी माना बाह्य बातों से आपको किसी भी प्रकार की आकर्षण अनुभव नहीं हो रही है, पुल नहीं है किसी चीज का। मुझे याद है एक बार दादी जान की, दादी गुलजार बात कर रहे थे, वो सुन रहे थे, लेकिन आपको पता चल रहा था कि वो अंतर्मुखी होकर बाबा से भी जुड़ी हुई है। भले हमारा सुन रही थी, लेकिन वो बाबा से भी सुन रही थी, तो उसको कहेंगे अंतर्मुखी। और हमें पता है, मुझे ये पता चला कि दादी सुन रही है, लेकिन वो बहुत विस्तार में नहीं जा रहे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। हमारी इतनी सारी कहानी, और कहानियों में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो नहीं। लेकिन हम कहा अच्छा ठीक है, दूसरा और दूसरा पेज दिखाओ, दूसरा पेज। एक्चुअल बात क्या है, इस बात का सार क्या है, इस कहानी का मॉरल क्या है। तो फिर हम कहते कि हाँ चलो देखते हैं ड्रामा, ड्रामा को देखें, क्योंकि कितने चैप्टर्स आप सुनेंगे, कितनी कहानी आप सुनेंगे और बताएंगे। लेकिन बाह्य मुक्ता जो है वो हमें
विस्तार में ले जाती है, और अंतर्मुखता जो है वो हमें अपनी सार वाली स्थिति में ले जाती है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बाबा कह रहे कि अगर आप इस स्थिति में जाते हैं, अंतर्मुखी स्थिति में जाते हैं, तो फिर आपके सामने विघ्न नहीं आएंगे, आपके संकल्प बचेंगे, आपका समय बचेगा, आपकी ऊर्जा बचेगी, तो उससे ऑटोमेटिकली आप और ज्यादा कर पाएंगे, आपकी अपनी क्षमता बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ये सच्चा अभ्यास करना बहुत जरूरी कि अंतर्मुखी होकर बैठे। आंतरिक स्तर पर न केवल नशा इंक्रीज होगा, लेकिन एक जो खास इसकी प्राप्ति है, जो बाबा ने कहा कि इसकी जो सौगात बाबा देते हैं वो है गोल्डन एज, सत्युगी दुनिया। उसकी क्या प्राप्तियां हैं बाबा ने कहा? हमारी प्राप्तियां बहुत है, क्या है प्राप्तियां उसकी, कभी लिस्ट निकालनी चाहिए। लेकिन पहली प्राप्ति यही है कि जब आप अपने स्वयं के सत्य स्वरूप के नजदीक आए, तो आपको बहुत आनंद का स्वरूप, आनंद का अनुभव हुआ होगा। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, ये तो मैं हूँ। तो ये बाबा कहते हैं कि आनंद वाली स्थिति है। और बाबा कहते हैं कि जब संपन्नता की स्थिति है, परफेक्शन की स्थिति है, तो उसमें समानता दिखाई देगी। इस समय भले थोड़ी परसेंटेज है, शायद मैं बहुत अंतर्मुखी हूँ या थोड़ा कम खुशी का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते, लेकिन बाबा कहते दोनों में समानता होनी चाहिए। आप सबने देखा होगा, बाबा को भी शायद साकार में नहीं देखा लेकिन कहानियां तो सुनी है, बाबा की जो हर्षित मुक्ता थी, बहुत सुंदर उनकी मुस्कुराहट, कभी भी ऐसे गायब नहीं होती थी, और इतनी चेहरे से इतनी झलक उसकी दिखाई देती थी, इतने सुंदर रीति से बाबा एक्सप्रेस करते थे। चाहे कभी हम उनको देखने गए हैं, चाहे वो पांचवी मंजिल से हमें देख रहे हैं, माँ बाप आए हैं इन छोटी कुन्याओं को, कुमारियों को ले जाने, पिकेटिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो हर्षित मुख, क्योंकि अंदर में कि ड्रामा खेल रहे हैं, इनको तो कोई हिला नहीं सकता, ये दृढ़ता से संपन्न है, ये तो विजयी होंगे ही। तो कैसे हम जब ऊंची स्थिति में जाते हैं तो हर्षित मुक्ता और आनंद की स्थिति अपने आप होगी। आपने दादी जानकी को देखा है, कितनों ने देखा है उनको हंसते हुए, दादी को बोलेंगे तो वो हंसते रहे, बस हंसते रहे। तो ये जो आनंद है, ये जो स्टेज है, ये जो प्राप्तियां है, वो देखे कि कितने ये प्राकृतिक स्तर पर नेचुरल है मेरे अंदर और निरंतर है। क्योंकि कभी कभी हमारा जो रूहानी अभ्यास है या पुरुषार्थ है वो मैच नहीं करता है, क्योंकि कभी हम बहुत बाह्यमुख होकर बहुत जोर जोर से हंसते हैं, कभी कभी हम बहुत अंतर्मुख होकर अकेले हो जाते हैं। लेकिन जब सत्य स्वरूप में अंतर्मुखी होते हैं, तो उससे अच्छी जो रूहानियत से भरपूर प्राप्तियां होती है, ये अंदर से आती है। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया या ये बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा, और मुझे इसमें खुश रहना है, मुझे इसमें संतुष्ट रहना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि जब मैं इस स्थिति में हूँ, अंतर्मुखी हूँ, निराकारी हूँ, तो उस समय क्या इमर्ज हो रहा है? मेरी सुंदर प्रकृति, जिसमें मैं मिलनसार हूँ, सबके साथ हूँ, सबके साथ एकता की भाव से रहते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारे संस्कार जो पूर्व के हैं, पहले के हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स जो है वो हमारे बिहेवियर को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बदल देते हैं। लेकिन हर समय स्नेही बनकर रहना और मिलनसार होकर रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है, और इसमें संपूर्ण संतुलन चाहिए, अंतर्मुखता की स्थिति और
और मिलनसार की स्थिति में बैलेंस चाहिए. बहुत ही स्वाभाविक रीति से सब कुछ देखे, सभी को देखे और ये अनुभव करे कि सीन है ड्रामा की, और फिर उसके बाद अपनी स्थिति को टेस्ट करें. मुझे पता है कि कईयों को आपको पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा. एक बार हम गयाना गए और 11:30 बजे के आसपास बहुत जोर से फायर अलार्म बजा, बहुत जोर से, और सभी को बाहर जाना था. तो हम सब गए, हमें बहुत दूर जाना पड़ा, और फिर हम अपनी कार में बैठे बैठे थे, ठंडी थी, हमने कार में हीट ऑन की, लेकिन लोग खुश थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे. तो भले उसकी जो आग की जो स्मेल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कोई लेकिन ब्लैंकेट लेकर आ रहा है, कोई भाई लोग जो है वो चॉकलेट की ड्रिंक लेकर आए, वो बहुत स्वीट थे, बहुत खुश करते हैं भाई बहनों को. और फायर डिपार्टमेंट भी आया, बहुत सारे, उन्होंने अपना काम पूरा किया, और उसके बाद हमारा उनके साथ इतना सुंदर संबंध बन गया. तो जब हम सच में अंतर्मुखी होकर रहते हैं बाबा के साथ, एक नशे का अनुभव करते हैं, खुशी का, सुख का, तो आप समझ सकते हैं कि हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी होने वाला है. लेकिन वो उसकी जो स्मेल थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, भले फायर नहीं लगी थी, लेकिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम लोग ठीक थे. तो अगर बाह्य मुक्ता में ही फंस जाते तो हम तो बस ऊपर नीचे करते रहते थे, लेकिन ठीक है, सब ठीक है. और यही आवाज हमारी अंतर्मुक्ता स्थिति से निकलेगा कि सब ठीक है, सब ठीक है. हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खुला रखेंगे कल का होमवर्क, देखेंगे कि मैं अंतर्मुक्ता की स्थिति कैसे बनाए रखूं, भले कोई भी कर्म भी कर रहे हैं, और अपनी स्थिति को भी बहुत आनंद वाली बना कर रखे, अटेंशन का भी कोई टेंशन नहीं. ओम शांति. Self-respect. I am an incorporeal soul. Thoughts. What is the experience of the eternal incorporeal form? What are the attainments through this practice? Practice of yoga. I, the incorporeal soul, in my original form, in the supreme abode, am peaceful, pure, in a divine sparkling stage. Being stable in this form, experience the stage of a master, son of knowledge. Thank you.
स्वमान, मैं निराकारी आत्मा हूँ। चिंतन, अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूति क्या है? इस अभ्यास से क्या प्राप्तियां हैं? योगाभ्यास, मैं निराकारी आत्मा परम धाम में ओरिजिनल स्वरूप में शांत, शुद्ध, पवित्र, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। इस स्वरूप में स्थित हो मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति का अनुभव करे। ओम शांति। सुनेंगे बाबा की। सब कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है मेरे में, अरे को अपने अंदर में झाती पहनी होती है, जिसे नाद को कहा नहीं अपने अंदर में झाती पहनो, तो तुम लक्ष्मी से वरने का लायक हो। पूछा ना बच्चे, एक दृष्टांत है, वो भी भगत है, तुम भी भगत थे, तो तुम बच्चों से भी बाप पूछते हैं, क्या भी समझते हो कि लक्ष्मी के साथ वरने के लायक बने हैं? अगर नहीं तो बाकी क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं या करते ही नहीं है? कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जैसे देखो नए नए बच्चियां आती हैं, उनको समझाया जाते हैं कि बताओ तुम्हारे में कोई खामियां तो नहीं है, क्योंकि तुमको सबको परफेक्ट बनाना है। देखो तो बाप भी आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, ये परफेक्ट बनाने के लिए बाप ने आकर के ये रखा है सामने बच्चों के, कि अपने अंदर से पूछो कि हम इन जैसे परफेक्ट, क्योंकि ये मन ऑब्जेक्ट ही है, तो इन जैसे परफेक्ट बने हैं क्यों? कि वो जो है पढ़ाई वाले टीचर वगैरह, वो तो देखते हो जानते हो कि समय में विकारी है। अब ये तो सैंपल है जो तुम आधा कल्प इनकी महिमा करते आए हो, तो अपने दिल में पूछो तो बाकी क्या खामियां आ रही हुई है मेरे में, जो हम उसकी उन्नति भी करें और समझाने भी। बाबा का ये खामियां निकलती ही नहीं है हमारे से, उनके लिए कोई उपाय बताइए। उपाय तो बताना चाहिए, नहीं बीमारी है ना, वो तो जो बीमारी है वो सर्जन से ही निकल सकती है, या तो सर्जन से निकलती है या जो नायब सर्जन है
हुशार होते हैं ना बच्चे, डॉक्टर के आगे कंपाउंडर सीख सीख कर करके उन्नति करके डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो तुम बच्चे को अपने में जांच करो अच्छी तरह से, ईमानदारी से, सच्चाई से, कि मेरे में खामियां क्या है जिनके कारण मैं समझ सकता हूं कि मैं ये पद नहीं पा सकूंगा। तो वो जो नहीं पा सकूंगा तो बाप तो कहेंगे नहीं नहीं, तुम इन जैसा हूबहू बन सकते हो। तो खामियां जब बतावे कोई तभी तो बात राय भी देवे नहीं कि भाई ये है तो बहुत बीमार तो बहुत है, बहुत हमें खामियां है चीची, कोई न कोई क्रोध है या कुछ लोभ है फालतू या कुछ ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है बिल्कुल ही, जो कोई को भी धारण करा सके। क्योंकि धारण तो कुछ बहुत इतना जो बाप रोज रोज समझाते हैं, इतने समझाने की कोई जरूरत ही नहीं देखती है, क्योंकि ये मंत्र है जिनका अर्थ समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये इतना दिन जो तुम समझाते आते हैं बच्चों को सबको, जो सुनते तो सभी है न, तो इतने दिन से जो समझाते हैं बात तो एक ही है कि बेहद के बाप से मुझे ऐसा जरूर बनना है। स्कूल होते हैं ना बच्चे, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो देना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। दिल जैसे किले दे रूहानी बच्चों पर थे, मात पिता बाप दादा का याद प्यार हमको नहीं थे। For solitude and practice concentration. Just as everything works underground, in the same way, carry out all your work while being introverted. By doing this, you will be protected from obstacles, your time will be saved, and your thoughts will be saved. Along with being in solitude, also let there be an entertaining nature to the same extent. There is a huge difference in both these words, but in this stage of perfection, let there be equality in these two stages. To the extent that you stay in solitude, also be equally entertaining. Do not lose your entertaining nature in your solitude. Let both be equal and simultaneous. One moment, be in solitude, and the next moment, be entertaining.
to the extent that you are mature and deep. Accordingly, be harmonious, that is, be one who is harmonious with everyone's nature and sanskars. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो। इससे एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ, वह बचत हो जाएंगी। एकांत वासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार, अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। ओम शांति।